हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है दिन सोमवार और होलिका दहन तो कल है, पर थोड़ी सी तैयारी होली की आज कर लेते हैं। चलिए, और कान्हा जी की होली की तैयारी मैंने कर ली। रात को मैं उनके लिए सारा सामान जो होली का लाना था ले आई, आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ कान्हा जी के लिए। और हम लोग ना होली वगैरह जलाते नहीं हैं, सिर्फ कलर ही थोड़ा बहुत खेलते हैं, मैं तो वो भी नहीं खेलती। तो ज़्यादा हम लोगों में मनाई नहीं जाती होली, पर यह है कि जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो हम लोग बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ थोड़ी सी जो भी चीज़ बनाऊंगी भी शेयर करूंगी। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ, पहले मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। देखिए, कान्हा जी के लिए ये हर्बल गुलाल लेकर आई हूँ, और ये होली स्पेशल ड्रेस मार्केट में खूब बिक रही है, तो ये पूरा सेट है कान्हा जी के लिए। मेरे कान्हा जी छोटे हैं ना, तो आपको छोटी लगेगी, छोटी ही है। और ये इनकी इस तरीके से पगड़ी बनी हुई है, और ऊपर से दुपट्टा सा अलग है। और ये कड़े इनके लाई हूँ, ज्वेलरी वैसे मेरे पास पड़ी हुई थी पर मैं कड़े ले आई थी, गले का लेकर नहीं आई। गले वगैरह का है मेरे पास, नए ही पड़े हैं, वो खोले नहीं थे। और ये देखिए पिचकारी और बाल्टी कान्हा जी की, कितनी सुंदर लग रही है ना। ये प्लास्टिक में ऐसे लग रही है, पीतल प्लास्टिक की लग रही है। और एक ड्रेस ये होली वाले दिन पहनाएंगे, या कल पहना दूंगी ये वाली, और ये वाली जो ये है होली वाले दिन पहना देंगे। और ये भी बहुत प्यारी लग रही है, ये होली स्पेशल है, हैप्पी होली लिखा भी हुआ इसके ऊपर। और कलर और भी लाए हैं तो कान्हा जी के लिए मैंने निकाल लिया पहले ही। और ये देखिए ओमाक्षी हमारी होती है, उसके लिए भी मैं पिचकारी ले आई, उसका भी पहली होली है, उसके लिए भी छोटी सी पिचकारी ले आए, चलाएगी जो नहीं पर बच्चों को होता ही है, तो ये भी ले आई उसके लिए। और ये येलो वाला जो तिलक लगाते हैं ना हम, अष्टगंध चंदन है, ये ख़त्म हो गया था मंदिर में, ये भी ले आई। तो आप बताइएगा आपको कान्हा जी की ये छोटी सी शॉपिंग कैसी लगी। तो मैं हर त्यौहार पर उनके लिए कुछ ना कुछ ले ही आती हूँ, और ये तो पहली बार लाई हूँ, मार्केट में भी अभी आई हैं ये, आती होंगी पर मेरे को तो अभी दिखी तो मैं ले भी आई। देखिए, और ऐसे लग रही है वाकई में पीतल की है, प्लास्टिक है, और क्यूट सी कितनी प्यारी लग रही है। और परसों जब कान्हा जी को कलर वगैरह लगाएंगे तो इसमें पानी भर के उनके पास रख देंगे। तो आप बताइएगा आपको मेरी कान्हा जी की होली शॉपिंग कैसी लगी। और चलिए अभी मैं होली के लिए स्पेशल आपके साथ मीठी चटनी बनानी शेयर कर रही हूँ। इमली और गुड़ की नहीं बनाऊँगी इस बार, मैं अमचूर वाली चटनी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए बनाते हैं अमचूर की चटनी, और जो जो भी उसमें चीज़ें लगेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, अमचूर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली बर्तन, और मैंने एक पाव चीनी ली है, एक गिलास से ये एक पाव का होता है, और अमचूर लिया है, एक पाव से थोड़ा सा कम है, आप बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं आपने कितनी चटनी बनानी है। और इस चीनी डाल दी है मैंने पतीले में, और अमचूर भी इसमें ऐड कर दिया है, और इसके अंदर अब सौंठ पाउडर डालूँगी मैं 2 से 2.5 चम्मच। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सामान डाल सकते हैं, जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ आप अपनी परिवार के सदस्यों के अनुसार बना सकते हैं, आपको कितनी चटनी बनानी है। चीज़ें यही वाली डलेंगी, एक काला नमक डाला है इसमें मैंने थोड़ा सा, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक जा रहा है इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली है, आप काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और मीठी चटनी बनाने के लिए आप नमक को नहीं भी डालेंगे तो मीठी चटनी बनेगी, मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है तो मैंने नमक डाल दिया, और आप नहीं भी डालेंगे तो मीठी चटनी बनती है। और मैंने इसमें भुना हुआ जीरा थोड़ा सा दरदरा पीस के डाला, और पानी डाला एक गिलास, इसमें पहले थोड़ा पानी ही डालें आप, और अच्छे से इसे मिक्स कर दें ताकि जो भी अमचूर की गिठलियाँ हैं ना वो बिल्कुल टूट जाएं, और चीनी भी इसके अंदर घुल जाए अच्छे तरीके से, बिल्कुल चीनी को आपने घोल देना है। और इसके बाद इसको अच्छे से घोल के गैस के ऊपर इसी बर्तन को रख देना है चटनी वाले को, और अच्छे से मिक्स करना है, अभी भी ये घुला नहीं है, और चीनी को बिल्कुल घुल जाना चाहिए, धीरे धीरे गैस पर ये पकती रहेगी। सिम गैस कर दिया मैंने, और ये देखिए ड्राई फ्रूट भी जो मैं इसमें ऐड करूँगी पकने के बाद, और अच्छे तरीके से इसको हिला हिला कर जो चीनी घोल लेनी है, एकदम से तेज पर उबाल नहीं आना चाहिए, चीनी घोल जानी चाहिए पहले, नहीं तो चीनी जो है बर्तन के तले में चिपक जाती है और अमचूर जल्दी घुल जाता है, इसीलिए अच्छे तरह मिलाते रहें। और नीचे गैस भी जल रही है और सिम गैस है, तेज गैस नहीं करनी। और ये 10 मिनट में आपकी चटनी बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है, बिल्कुल इमली की चटनी की तरह ही बनती है, और आसान भी है, इमली की चटनी भी बनानी अच्छी लगती है, पर मैंने इस बार जो अमचूर की चटनी बनाई है तो आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर दी।
और देखिए अच्छे से इसको, जब तक ये गाढ़ी नहीं होती ना तब तक आप इसे मिक्स करते रहें, और अगर आप थोड़ी और पतला करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये गाढ़ी ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है। और देखिए जब तक चटनी पक रही है ना हमारी, तो मैंने जो है काजू बना रही हूँ मैं, नमकीन काजू स्नैक्स जो होते हैं मार्केट में जो हलवाई से मिलते हैं, उसके लिए मैंने 1 पाव मैदा लिया है, और थोड़ी सी 100 से 150 ग्राम सूजी, और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको मैं अच्छे से तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी, ताकि सोडा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए सारे मैदे में। और अजवाइन डाली है इसमें थोड़ी सी, थोड़ा सा इसमें मैं नमक भी डाल रही हूँ, सेंधा नमक है ना, इसलिए इसका कलर ऐसा लग रहा है। और इसके अंदर मोयन के लिए मैं थोड़ा सा रिफाइंड ऐड कर रही हूँ, आप अपने अनुसार मैदा और सूजी भी ले सकते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है मल मल के, रिफाइंड को, तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को इसको अच्छे से इस तरीके से मल मल के मिक्स कर देना, ताकि जो मोयन है सारे आटे में अच्छे से इक्वल मात्रा में लग जाए। और अच्छे से देखिए मैं रगड़ रगड़ कर हाथ पर बिल्कुल मैदे को रगड़ रही हूँ, ताकि जो मोयन है ना सारी तरफ चला जाए हमारा रिफाइंड जो है। और अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, बिल्कुल आप ज़्यादा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मैंने एक सॉफ्ट डो तो नहीं बनानी, थोड़ी से टाइट ही डो बनानी है, क्योंकि काजू है ना जो ये रिफाइंड कम लग रहा था, थोड़ा सा रिफाइंड इसमें और ऐड किया है। तो ये नमकीन वाले काजू हैं, बिल्कुल काजू की शेप आएगी, देखिएगा मैं कैसे बनाऊंगी। अच्छे से हल्का हल्का पानी डालकर मैंने एक परफेक्ट डो जो है तैयार कर ली थी। और आप देखें जब बंधने लग जाए ना आटा हमारा, तो इसमें पानी डालना आप कम कर दें, बंद कर दें बिल्कुल, हाथ से मल मल के इसको हमने एक अच्छे से परफेक्ट डो बना लेनी है। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना आपने, पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप अच्छे से इसको इस तरीके से गूंद कर थोड़ी देर के लिए आटे को छोड़ भी दें बीच में मलना। और मैंने देखिए इस तरीके से मोटा मोटा करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और फिर इसको पूरा गूंदा था। और इधर मैं चटनी को भी देख रही थी, और आटा देखिए देख रहे हैं ना आप, अभी गूंदा नहीं है, उसको मैंने रेस्ट के लिए रखा है अभी। और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट जो है जितने भी थे ना मेरे पास, आप कुछ भी डाल सकते हैं, छुहारे वगैरह भी डाल सकते हैं, तो जो चीज़ थी मेरे पास अवेलेबल, और बीज मंगवाए थे मैंने मार्केट से, मैंने सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी। आप फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मैं फ्रूट्स वगैरह मैंने नहीं डाले इसमें, केला वगैरह बच्चे नहीं खाते, तो ड्राई फ्रूट डालकर देखिए अब गाढ़ी हो गई ना चटनी कितनी, और पक गई है ये चटनी, बिल्कुल तैयार है। और अब देखिए आटे को थोड़ी देर के लिए मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा था, अब इसको मैं फिर से दोबारा से अच्छे तरीके से मल मल के गूंद लूँगी, और एक अच्छे से परफेक्ट डो जो है तैयार करनी है। आटा गूंदना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़रूरी है, अच्छे से गूंदें आप, एकदम से ये नहीं कि मला और गूंद गया आटा, नहीं, इसको फिर हमने 1/2 घंटे की रेस्ट के लिए भी मैंने रखा था। देखिए इस तरीके का आटा होना चाहिए हमारा, ना ज़्यादा सख्त और ना ज़्यादा सॉफ्ट, इसको ढककर अच्छे से मैंने रख दिया था। और देखिए जब तक ये आटा तैयार होता है ना, तब तक मैं पापड़ी का आटा भी तैयार कर रही हूँ, मेरी बेटी कह रही थी कि पापड़ी भी बनाओ, तो उसके लिए भी मैंने मैदा लिया है, और थोड़ा सा सोडा डाला है इसमें, ज्वैन डाली है इसमें, सूजी नहीं ऐड की, सिर्फ मैदा ही है ये खाली, और मोयन डाल दिया इसके अंदर भी, और इसको भी अच्छे से मल मल के मैं मोयन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसमें। और इसके लिए भी एक परफेक्ट डो तैयार करनी है हमने, ना ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। अच्छे से देखिए इसको भी मैं मल मल के, मैंने पापड़ी का आटा भी जो है लगा कर रख लिया था, क्योंकि बार बार आटा क्या गूंदती, तो मैंने बारात तो मेरी हो ही रखी थी, तो मैंने इस दोनों चीज़ों का आटा गूंद कर अच्छे से रख लिया था। ज़्यादा मैंने सॉफ्ट डो नहीं तैयार की थी इसकी भी, इसका भी एकदम कड़ा आटा होना चाहिए, क्योंकि कड़ी आटे से ही पापड़ी सही बनती है। और देखिए अच्छे से मल मल के ना एक अच्छी सी डो, सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई, ये देखिए इस तरीके से, इसको भी मैंने ढककर अच्छे से अलग से रख दिया था, ताकि ये भी रेस्ट के लिए हो जाए और इसको भी रेस्ट मिल जाए। और देखिए अभी ये काजू वाला आटा आ गया, इसको दोबारा से मैं फिर से मुक्की मार रही हूँ, अच्छे से सॉफ्ट कर रही हूँ, और इसको ना अभी मैं बीच में से तोड़ूँगी, ताकि इसकी एयर निकल जाए, क्योंकि आटे में ना एयर हो जाती है। इस तरीके से देखिए ये इस तरीके से अलग अलग तोड़ के इसको दोबारा से फिर से गूंदना है, मुक्की मारनी है, ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो काजू हमारे परफेक्ट नहीं बनते। और देखिए अब दोबारा से इसको फिर से मैं मुक्की मान कर बांध लूँगी आटे को पूरा, और इसको रख दूँगी 5 मिनट के लिए। और देखिए जब तक हमारा आटा सेट होता है ना, तो मैंने एक मसाला तैयार करना है, उसके लिए मैंने ये चीज़ें ली थी जो मैंने आपको दिखाई हैं इसमें। और अब मैं जो है काजू स्नैक्स बनाना शुरू कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मोटा सा एक पेड़ा ले लिया, और मोटी सी एक रोटी बनानी है, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी ये कितनी मोटी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। और 2 रोटी बनाएंगे हम एक जैसी, इसको देखिए साइड में रख दूँगी मैं, इस तरीके से मोटी रोटी होनी चाहिए, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, एक रोटी और बनेगी,
इसी तरीके से। और नीचे मैं रिफाइंड लगा रही हूँ, चकले पर नहीं, मेरा चकला छोटा है तो मैंने स्लैब पर ही बना लिया था ये। ये देखिए इस तरीके से दो एक जैसी मोटी रोटियाँ बनानी है। इसमें गोल की कोई वो नहीं है कि गोल नहीं बन रही, पर इस तरीके से मोटी रोटी ही बनेगी। और अब एक के ऊपर एक रख के, ये देखिए इतनी मोटी रोटी होनी चाहिए ये। और अब दोनों को एक साथ जोड़कर एक बड़ी सी रोटी में फिर से बेल लूँगी। अब देखिए दिखाऊँगी आपको। अब इस रोटी को उसके ऊपर ही रख देंगे और अच्छे से आपस में इनको जोड़ देना और एक रोटी ही बना देना दोनों को। और इस तरीके से ये एक बड़ी सी डबल रोटी बन जाएगी, डबल पराठा जैसे होता है। और इसके अंदर हमने काजू के स्नैक्स जो काटने हैं, तो बिल्कुल काजू की शेप आएगी आप देखिएगा। और आप भी इस तरीके से काट सकते हैं और बना सकते हैं घर पे, कोई मुश्किल नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से ना, ज़्यादा पतला रोटी को नहीं करना, डबल रोटी थी ये। और अब हम इस तरीके के कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन लेंगे, बॉटल का, और हमने पूरे ढक्कन को उसके ऊपर नहीं देना, आधे ढक्कन से ही शेप बनानी है। ये देखिए काजू की शेप निकल आती है बिल्कुल, अब भी परफेक्ट नहीं है, आगे आगे देखिए परफेक्ट बनेगी बिल्कुल बिल्कुल काजू की तरह। जैसे मार्केट में काजू स्नैक्स मिलते हैं ना, तो बिल्कुल वैसी ही शेप आ रही है। अभी देखिए आगे आगे जो है बहुत अच्छे अच्छी अच्छी शेप जो निकल कर आएगी। और इस तरीके से आप भी काजू के स्नैक्स की शेप जो है बना सकते हैं। और मैंने पहले ही बना लिए थे सारे ये। और मैंने इधर जो है कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया। और देखिए इस तरीके से मैं फटाफट से ढक्कन से ना काजू की शेप बना बना कर रखी जा रही हूँ। और देखिए कितनी सुंदर शेप आ रही है, बहुत ही परफेक्ट शेप आ रही है। ये देखिए कितनी सुंदर आई है, बाद में सारी शेप जो है बहुत अच्छी निकली थी। और आप भी इस तरीके से बना सकते हैं देखिए। और डबल करके ही बनाइएगा रोटी को, थोड़ा मोटा रखिएगा तो अच्छी तरीके से शेप आती है। और देखिए ज्वाइंट भी है कि जैसे तलने के बाद ऐसे लगता है कि रियल का काजू है, और इसमें काजू नहीं होता, सिर्फ शेप बनाते हैं ये इस तरीके से। देखिए मैंने इस तरीके से काट के ढक्कन से ये काजू निकाल निकाल कर इस तरीके से रख लिए थे। और देखिए कितनी परफेक्ट शेप आई है। और अब इसको ये देखिए डबल, जैसे काजू में रियल में होता ना डबलपन। और देखिए इधर तेल जो हमारा गर्म हो गया था, और बिल्कुल सिम गैस कर लेनी है गर्म करके उसको, एकदम से तेज़ गैस पर नहीं बनाना। लो गैस पर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल ये कुरकुरे होकर निकलते हैं, क्योंकि सूजी डली हुई है, तो इसको एकदम से अच्छी नहीं डालनी इसके अंदर। आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही पड़े रहने दें, और जब ये आपको लगे कि ऊपर तैर कर ऊपर आ जाते हैं ये, तो इसमें तब कड़छी चलाएं। और देखिए कलर कितना अच्छा आया, और ये बिल्कुल बनकर रेडी है काजू स्नैक्स, ये देखिए। और इसको मैं छान लूँगी, 2 या 3 बार में मैंने सारे काजू स्नैक्स बना लिए थे, ज़्यादा आटा नहीं लिया था मैंने। मैं भी पहली बार ही बना रही थी, पर अच्छी शेप आई थी देखिए। और मैंने इसको एक पतीले में निकाल लिया, और जो मैंने मसाला लिया था उसमें चाट मसाला, नमक, काला नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, बस ये चीज़ें थी। और इसके अंदर मैं इस मसाले को गरम गरम में ही, आपने काजू निकालने हैं ना गरम गरम में ही मिक्स कर देना है, ताकि ये चिपक जाए मसाला इसके ऊपर। अगर ठंडे में डालोगे ना तो वो नहीं चिपकता है। तो ये देखिए मैंने सारा ही गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया था, अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था, क्योंकि इस समय गर्म थे काजू, तो गर्म गर्म में ही आप इस तरीके से देखिए मिक्स कर दीजिए, तो और बहुत टेस्टी काजू बने हैं। देखिए शेप कितनी प्यारी आई है, बिल्कुल मार्केट वाली आई है, जैसे हलवाई बनाते हैं ना, बिल्कुल वही वाली शेप आई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने में, थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, पर त्यौहार है अपने बच्चों के लिए तो हम मेहनत कर ही सकते हैं। और देखिए इधर मैं पापड़ी भी बना रही हूँ, पापड़ी का आटा भी सेट हो गया था, तो उसके लिए भी मैंने ना एक बड़ी सी रोटी बना ली थी। और पतली रोटी बनाइएगा आप भी, मोटी रोटी नहीं बनेगी इसमें। इसको अच्छे तरीके से, ये वाला बॉटल का ढक्कन था मेरे पास बड़े वाले सरसों के तेल की, और इस तरीके से मैंने फटाफट काम हो गया था। और फिर इसको ना मैंने मोटी लग रही थी मुझे ये वाली जो पापड़ी है, तो मैंने पतला भी कर दिया था बिलन से, और इसमें फोक की मदद से इसके अंदर छेद कर दिए थे ताकि ये फूले ना, क्योंकि मैंने एक दो बार पहले डाल के देखी तो मैंने छेद नहीं किए थे, वो फूलने लग गई थी। तो इस तरीके से छेद करने बहुत ज़रूरी हैं पापड़ी वाले इसमें, तो आपकी क्रिस्पी पापड़ी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी पापड़ी का कलर भी कितना अच्छा आया, और एकदम से कुरकुरी पापड़ी बनी है। मैं आपको लास्ट में तोड़ कर भी दिखाऊंगी। और ये देखिए मैंने बीच में ना गिलास से बड़ी बड़ी बनाई थी, तो वो थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी बन गई थी, पर मैंने बना ली थी कुछ ऐसे ही चाय के साथ खाने के लिए। ये सब गिलास से बनी हुई हैं, छोटे वाले गिलास से। तो आपकी इच्छा है आप किसी चीज़ से भी बनाएं,
वैसे छोटी पापड़ी बनाए और पतली बनाए तो वो बिल्कुल क्रिस्पी बनती है, एकदम करारी। और ये देखिए इनको भी मैंने फ्राई कर लिया था, और काफ़ी समय लगा मुझे इन चीज़ों को बनाने में। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि आपको मेरी ये होली की डिशेस कैसी लगी। पापड़ी और बहुत ही अच्छी और करारी पापड़ी बनी थी, बिल्कुल मार्केट की तरह, जैसे हम टिक्की चाट वाले के पास खाते हैं ना जाके, बिल्कुल सेम वैसी ही बनी थी। अभी कल जो होली पे मैं आपको उसको भी बना के भी दिखाऊंगी। और देखिए बाकी जो थोड़ा सा आटा बच गया था ना, उसकी मैंने मटरी भी बना ली थी, इस डायमंड शेप में इस तरीके से काट लिया था इसको, क्योंकि पापड़ी काफ़ी सारी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलिए चाय के साथ का भी स्नैक बना लेते हैं थोड़ा सा। और इस तरीके से इसको भी मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया था। और देखिए हमारे स्नैक्स बनकर रेडी हैं, पापड़ी, ये काजू के स्नैक्स, नमकीन काजू, कितनी अच्छी शेप आई है देखिए। और थोड़ी सी मटर डायमंड शेप में मैंने बना लिए थे। और पापड़ी देखिए तोड़कर दिखा रही हूँ, एकदम कुरकुरी पापड़ी बनी है बिल्कुल, और खस्ता भी है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और चटनी भी बनकर देखिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने इसको जार में निकाल लिया, और थोड़ी सी इस जार में भी बन गई मेरी 15 दिन के लिए चटनी बन गई है। पर हो सकता है होली पर ही ख़त्म हो जाए, काफ़ी मेहमान वगैरह भी आते हैं तो खा लेंगे। तो अगर आपको मेरी ये चारों चीज़ों की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ाएं। देखिए धन्यवाद दो दोस्तों। बजे मैं लगी थी बनाने, और अभी 4:30 होने वाले हैं, और अभी इसी वीडियो को एडिट करके आपके पास पहुंचाना भी है। तो चलिए देखिए मेरे स्नैक्स जो मैंने बनाए हैं, और बताइएगा आपको कैसे लगे इनकी रेसिपी। और थक गई मैं, और कल कुछ देखूँगी भल्ले वगैरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, मूँग दाल के बड़े और भल्ले, और एक दो स्नैक्स और देखूँगी अगर मेरे पास समय हुआ तो। चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग के साथ। धन्यवाद दोस्तों, बाय।